सब्सक्राइब कीजिए दी टेक ट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इफ्तिखार अमन और आप देख रहे हैं दी टेक ट्यूब यूट्यूब चैनल। मैं आप दोस्तों को अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर मैं कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, तो इसलिए आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद जो है आपको बेल का आइकॉन नज़र आएगा, उस पर भी लाजमी तौर पर क्लिक कर दें ताकि मैं जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो उनका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को उसी वक्त ही मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपका लैपटॉप जो है वो नॉट चार्जिंग दिखा रहा है, प्लग इन नॉट चार्जिंग, ओके, यानी कि आपको चार्जर उसको जो है लगाया हुआ है और आपकी जो बैटरी है लैपटॉप की वो चार्जिंग नहीं हो रही, तो ये कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप जो आपका जो चार्जर है उसको आप जो है उसकी जो केबल है उसको आप रिमूव कर दें, अनप्लग कर दें अपने लैपटॉप से, और उसके बाद जो है 5-10 सेकंड के बाद दोबारा आप उसको जो है अपने लैपटॉप में लगा देंगे तो वो शुरू चार्जिंग जो है करना शुरू कर देता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर ये तरीका भी आपने अपना लिया है उसके बाद भी जो है आपका इशू सॉल्व नहीं हो रहा, तो दूसरे नंबर पर जो है ये कि आप क्या करें कि आप विंडोज़ को जो है शट डाउन कर दें लैपटॉप को बंद करके, उसके बाद जो है आप चार्जर कनेक्ट करके आप अपने लैपटॉप को चार्जिंग कर देंगे तो लैपटॉप जो है आपका चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी फॉल्ट हो जाता है कि विंडोज़ जब चल रहा होता है उस वक्त जो है आपका लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा होता, लेकिन जब आप उसको शट डाउन कर देते हो तो उसके बाद जो है चार्जिंग होना शुरू हो जाता है। कभी ऐसा भी इशू लैपटॉप में हो जाता है तो आप इस तरीके से जो है आप अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो, लैपटॉप की बैटरी को। अगर ये भी तरीका आपके लैपटॉप में आपने करके देखा है उसके बाद भी आपका इशू सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर आपको क्या करना है कि आपकी जो लैपटॉप की बैटरी है उसको जो है आप निकाल दें, उसको आप बैटरी को जो है कम से कम 5 या 10 मिनट आप अपने लैपटॉप से निकाल कर रख दें, उसके बाद दोबारा जो है वो बैटरी आप अपने लैपटॉप में लगा दें, उसके बाद जो है ऑन करके आप जो है चार्जर लगाएंगे तो आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा और आपका जो लैपटॉप की बैटरी है वो चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी। अगर ये तरीका भी आजमाने के बाद भी आपकी जो लैपटॉप की बैटरी है वो नॉट चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग नहीं हो रही, सिर्फ चार्जर पर चल रही है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपना लैपटॉप जो है किसी कंप्यूटर शॉप पर ले जाएं और वहाँ पर आप जो है एक दूसरा जो है आप शॉप वाले से कहें कि वो चार्जर लगा कर देखे। हो सकता है कभी कभी जो है चार्जर में भी इशू हो जाता है कि उसकी वजह से जो है आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, तो वहाँ पर वो दूसरा चार्जर लगा के दिखेगा तो उससे ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है तो बैटरी चार्जिंग होना शुरू हो जाती है तो ओके, नहीं तो फिर जो आखिरी जो सॉल्यूशन है वो यही है कि आपकी जो लैपटॉप की बैटरी है वो डेड हो चुकी है यानी कि ख़त्म हो चुकी है, तो आपको जो बैटरी है आपके लैपटॉप की वो आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी जो है कुछ टिप्स जो है आपके अगर लैपटॉप नॉट चार्जिंग दिखा रहा है तो उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।